नमस्कार, मैं हूं मानसी जायसवाल। भारत ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जमकर बमबारी की है। वायुसेना ने करीब 12 मिराज 2000 विमानों से पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए। बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान में आतंकियों के 13 लॉन्च पैड की जानकारी थी, जिसमें बालाकोट के इलाके के लॉन्च पैड को भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया। आपको बता दें, कुछ दिनों से इन सभी लॉन्च पैड पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से नजर रखी जा रही थी और रात के करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर 1000 किलो बम गिराए। वहीं आपको बता दें, वायुसेना के करीब 12 मिराज 2000 विमानों से बालाकोट और मुजफ्फराबाद में जमकर बमबारी की। मुजफ्फराबाद, चकोटी, बालाकोट में कई इलाकों में बम गिराए। बताया जा रहा है कि जैश के कई कैंप इस हमले में तबाह हो गए। सूत्रों का कहना है कि भारतीय एयरफोर्स के कई विमानों से तड़के पठानकोट एयरबेस और मध्य भारत के आदमपुर एयरबेस में उड़ान भरी। इसके बाद मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के रडार जाम किए और बम गिराए। इसके साथ ही आपको बताते चले, पाकिस्तान का इस हमले के बाद कहना है कि भारत ने खाली इलाकों में बम गिराए, किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ भारत की बमबारी से डरे पाकिस्तान ने बैठक भी बुलाई है। इस बड़ी खबर पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए मिनट न्यूज़।